अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये प्यारे से बूटीज़ बनाना सीखेंगे। एक बूट मैंने पहले से ही बना के तैयार कर लिए और ये देखिए कितना प्यारा शूज़ है। ये 0 to 3 months बेबी के लिए एक शूज़ मैंने तैयार कर लिए, दूसरा जो है वो मैं आपके सामने अभी बनाऊंगी। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट लगा लेंगे। हमने बनानी है 13 चेन्स। थर्टीन चेन बनाने के बाद हम 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और फोर्थ चेन में, ठीक है, 1 2 3 और फोर्थ चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये अब 3 हो गए हैं। इसको मिला के, ये 3 चेनों को मिला के 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाने, तकरीबन हम ये 8 बना लेंगे। और ये 8। ठीक है, अब हम जो इसका लास्ट स्टिच है यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही स्टिच के अंदर हम 6 बना लेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने फिर से यहाँ पे 8 बनाए हैं और हम इस साइड पर भी 8 बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक ही लूप में, 1 2 और
देखिए, अब हमने जो चेन बनाई थी इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे छः हमने बना लिए, ठीक है, एक स्टिच में, और यहाँ पर भी छः बना लिए। इस साइड पर भी आठ आ गए हैं और इस साइड पर भी आठ। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी रो स्टार्ट करने लगे हैं, तीन चेने बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये अब एक ही में दो हो गए। अब हमने नेक्स्ट में भी दो डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही स्टिच में, एक और ये दो। ठीक है, ये हमारे अब दो सेट हो गए हैं एक, तो तीसरे लूप में भी हमने एक में से दो डबल क्रोशिया बनाने, एक और ये दो। ठीक है, हम तीन सेट बना लिए, एक दो, ये देखें, एक ये दो और ये तीन। ठीक है, अब हमने ये जो आठ हमने बनाए थे इनके ऊपर आठ फिर से बना लेंगे। ठीक है, यानी हर स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया बनाने। सर ये आठ। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक स्टिच में से, ये हम छः सेट बनाएंगे। ठीक है, ये एक, यानी कि एक में से हमने दो बना लिए, एक सेट बना लिए, अब दूसरे इसमें से हम दो बना लेंगे, ये एक और ये दो। ठीक, दो सेट हमारे हो गए। अब तीसरा सेट, एक चौथा, एक ये दो, अब पांचवा, एक और ये दो। छठा, एक और ये दो। ठीक है, हमने ये छः सेट अब यानी कि दो दो के बना लिए, एक दो, एक दो, एक ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः। अब हमने फिर से ये आठ के ऊपर आठ ही बना लेने हैं, एक दो। ठीक है, एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ठीक है। अब हमने फिर से दो दो के सेट तीन और बना लेने हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें हम दो बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट में फिर हम दो बना लेंगे, एक और ये दो, नेक्स्ट में फिर दो बना लेंगे, एक और ये दो। ठीक है, ये तीन हमने यहाँ पहले बना लिए थे और तीन ये भी अब छः हो गए हैं, छः सेट इस साइड पे भी बन गए। ठीक है, इसको अब हम यहाँ से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम तीन चेने बना के, ठीक है, अब ये इसके जो बैक लूप है ये देखें ये, ठीक है, वैसे यहाँ से डालते हैं यूँ। ठीक है, लेकिन अब हमने ये इसकी जो बैक लूप्स हैं इस पे अब हमने काम करना है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पे बना लिया, देखिए ये,
ये एक पूरा राउंड अब हमने इसी तरह ही करना है। चलिए मैं ये आपको ये पूरा राउंड मुकम्मल करके फिर दिखाती हूँ। ये मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये बैक लूप पे लेने की वजह से देखें ये इसकी शेप इस तरह होगी, ऊपर की तरफ मुड़ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, तीन चेने लेंगे और हमने अब 9 डबल क्रोशे ले लेंगे। एक तो एक दो तीन चार बना चुके हैं, पाँच छ सात आठ और ये 9, ठीक है। ये 9 बनाने के बाद अब हमने 10 डिक्रीजेस करने हैं, यानी कि 10 घर इसमें से अब हमने कम करने हैं, ठीक है। उसका तरीका ये है, देखिए यहाँ से हम ये हम वैसे दोनों दूसरी दफ़ा भी निकाल लेते दोनों से, लेकिन अभी नहीं निकालना है, इन दोनों को छोड़ देना है। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ये दोनों से निकालिए, अब ये 3 रह गए, अब हम तीनों से इकट्ठा निकालेंगे, हमारा एक डिक्रीज हो गया, एक कम हो गया, ठीक है सर। हम 10 दफ़ा कर लेंगे, एक हो गया 2, 2 डिक्रीज हो गए हैं, तीन डिक्रीज हो गए हमारे, चार, पांच, सात, आठ, नौ, ये 10, ठीक है। ये हमने 10 डिक्रीजेस कर लिए हैं, अब हम फिर से यहाँ पे 10 डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको, ठीक है, अब हमने यहाँ पे फिर से 3 चेन लेने हैं, ठीक है, और 9 फिर हमने डबल क्रोशे बना लेने हैं।
ठीक है। अब हमने फिर से ये 9 बनाने के बाद हमने अब पहले हमने 10 डिक्रीजेस किए थे, अब हम 5 डिक्रीजेस करेंगे। ठीक है, 5 घर हमने डिक्रीज कर देने, कम कर देने। 1 2 2 डिक्रीज हो गए, ये 3 डिक्रीज हो गए हैं, ये 4 डिक्रीज हो गए हैं, ये 5 हमने इसमें से जो है ना वो डिक्रीज कर लिए। ठीक है, अब हमने फिर से 9 डबल क्रोशे ना लेने हैं। ये अब यहाँ पे हम ठीक है, ये देखिए अब हमारी लास्ट रो है। ठीक है, इसमें अब हमने स्लिप स्टिच बनाते जाना। ठीक है, ये यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से काट लेंगे। काटने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे निकाल कर देखिए हमारा ये शूज तैयार हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अंदर की तरफ करके छुपा देंगे। ठीक है, इसको ऐसे बस अंदर की तरफ करके ना 2-3 दफ़ा ये निकाल लेंगे करके, देखिए ठीक हो गया। देखिए हमारा शूज बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हमने इसके लिए ये बो तैयार करनी है। ठीक है, बो भी बहुत इजी है बनानी। चलिए अब मैं ये आपको किसी वीडियो में आपको बो बनाना भी सिखाऊंगी। अब मैं ये बो बना के इस पर लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है,
ये देखें मेरा दूसरा शूज़ भी बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें कितना प्यारे लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।